Zoom इस्कोटेको Zoom इस्कोटेको। दिन पर दिन इमरान खान होते जा रहे हैं सयाने। सोशल इवेंट्स पर जाते हैं, मीडिया को इनवाइट भी करते हैं, और जब मीडिया यहाँ उनके सोशल कॉस्ट से जुड़े सवाल करे तो मीडिया के ही वहां होने पर एतराज भी जताते हैं। वाह इमरान, ये सारी टेक्निक कहीं आपने अपने मामू आमिर से तो नहीं सीखी? इमरान खान पहुंचे कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों को सपोर्ट करने। वैसे अक्सर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज सोशल कॉजेज जाहिर नहीं करते, मगर इमरान ने ये नेक काम किया पूरी मीडिया के सामने, और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुद को इस सबसे अनजान बताया। मैं जानता नहीं था कि यहाँ मीडिया होगी। I just found out this morning that there would be press. वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी कोई सेलिब्रिटी किसी इवेंट को अटेंड करने जाता है तो उसके पब्लिसिस्ट से लेकर मैनेजर तक सभी उसके साथ होते हैं, और इस सोशल कॉज पर आने से पहले ही इमरान को पता था कि मीडिया यहाँ जरूर होगी। अब ऐसे में जाने इमरान ने झूठ क्यों बोला? एक्चुअली मैं जानता नहीं था कि यहाँ मीडिया होगी। I just found out this morning that there would be press. भाई इमरान, ये ना भूलिए कि ये मीडिया ही है जो आपकी खबरें आपके फैंस तक पहुंचाती है। जैसे कुछ ही दिनों पहले गॉसिप के गलियारों से ये खबर आई थी कि करीना आपकी एक्टिंग पर फिदा है और आपके साथ काम भी करना चाहती हैं। इतना ही नहीं, खबरों ने तो इमरान को करीना का अगला शाहिद तक कह दिया था। और यहाँ जब एक बच्चे ने इमरान से उनकी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में पूछा तो करीना का नाम ही इमरान की जुबान पर आया। फेवरेट एक्ट्रेस करीना कपूर, शी इज द बेस्ट, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। अब इमरान, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उम्मीद है आप इनके सामने सच्ची कह रहे होंगे, और अगर ऐसा है तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि करीना के हुस्न से संभल कर रहिएगा। याद है ना शाहिद के संग क्या हुआ था? और भाई, अब तो सैफू भी उन्हें छोटी बेगम का दर्जा दे चुके हैं, तो ऐसे में करीना के लिए ये दीवानगी प्रोफेशनल रिलेशनशिप तक ही रहे तो ही ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।